प्रश्न पूछे जाते हैं पशुधन से लेकर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पशुधन एक कृषि से संबंधित है। पशुधन में हमें क्या क्या पूछा जाता है? एक तो सामान्य गणना, पशुओं की गणना के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये राजस्व विभाग पटवार के लिए तो इम्पोर्टेंट ही होगा, उनका काम ही राजस्व विभाग के अधीन ही आता है। तो हम पशुधन के बारे में, तो पशुधन से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? एक तो आंकड़ों के बारे में पूछे जाते हैं गणनाओं को लेकर, इस 19वीं गणना थी, इसके बाद 20वीं गणना जो अभी हुई है हाल ही में 16 अक्टूबर 2019 को जिसकी रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हमसे पूछ ले। तो इस प्रकार हम देखेंगे 20वीं पशु गणना रिपोर्ट पढ़ेंगे हम, और 19वीं रिपोर्ट से कुछ तुलना करनी होगी उससे करेंगे, कुछ पशुधन घटा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ से कुछ आंकड़ों से करंट से प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम यहाँ से देखेंगे। दूसरा हमें यहाँ पशुधन से क्या पूछा जाता है, नस्लों के बारे में हमसे पूछा जाता है, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है या नहीं, भैंस की नस्ल है या नहीं, भेड़ की नस्ल है या नहीं, बकरी की, घोड़े की या ऊंट की, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक नया ट्रेंड अभी आया है कि वह एक तरफ पशु की नस्लें और एक तरफ स्थानों से मैच, कौन सा संगत असंगत है नहीं, जैसे अभी आया था हमारे लाइब्रेरी के एग्जाम में जिसमें असंगत ढूंढना था, जिसमें मालवी नस्ल के सामने अनूपगढ़ दे रखा था, तो अनूपगढ़ का संबंध गंगानगर जिले से है, जबकि मालवी नस्लें है वो मालवा का पठार से है, यानी कि झालावाड़ है, झालावाड़ मुख्य रूप से झालावाड़ में जो मेला बढ़ता है चंद्रभागा मेला, वहां पर मालवी पशुओं की क्या लगते हैं, मेले लगते हैं, मालवी का संबंध मालवा से, तो वो असंगत था। तो उस प्रकार के प्रश्न, नया पैटर्न आया, एक तरफ नस्लें और एक तरफ स्थान, ऐसा भी पूछ ले हमें, या नस्ल निम्न में से कौन सी नस्ल है या नहीं, किसी की तरह से पैटर्न घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पशुओं की नस्लों के बारे में, नवीनतम आंकड़ों के बारे में, इसके साथ साथ में पशुधन के साथ साथ में हम पशु में ही डेयरी उद्योग को भी पढ़ लेंगे कि डेयरी उद्योग की स्थापना कब की गई, ये त्रिस्तरीय ढांचा किस प्रकार का है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिले, सर्वाधिक डेयरी, इस प्रकार के जो प्रश्न है उनसे संबंधित, या फिर कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया मथुरा से, तो 2016 से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम प्रारंभ करते हैं इस पशुधन के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारे लिए पटवारी, और पटवारी है, कांस्टेबल है और लाइब्रेरियन, इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पशुधन। नवीनतम गणना हम पढ़ेंगे पशुधन में। अभी हाल ही में पशु गणना की रिपोर्ट आई है, 16 अक्टूबर 2019 को पशु गणना की रिपोर्ट जारी की है। यह 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट है। कौन सी पशु गणना की रिपोर्ट है? 20वीं गणना की रिपोर्ट है। इससे पहले जो पशु गणना थी वो 2012 में रिपोर्ट थी, इससे पूर्व 2012 की पशु गणना, यह 19वीं गणना थी, और यह कौन सी है, अभी 20वीं गणना है। ऐसे प्रत्येक 5 वर्षों में नियमित गणना की जाती है पशुओं की। इस बार पहली बार डिजिटल पद्धति से गणना करने के कारण समय अधिक लगा है, इसीलिए गणना की रिपोर्ट हमें कब मिली है, 2019 में मिली है 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट, नहीं तो 2012 के बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट कब आनी थी, 2017 में, लेकिन पहली बार डिजिटल पद्धति से गणना के कारण आंकड़ों में देरी से जारी हुए हैं। और इस कब आई है, आंकड़े कब जारी किए गए, 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए हैं, तो 20वीं रिपोर्ट। हम दोनों के बारे में कुछ इनके बारे में चर्चा करेंगे। सब हम पढ़ते हैं, पहले 19वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पशुओं से गणना से संबंधित कुछ तथ्य पहले देख लेते हैं। पशुओं की गणना का कार्य 1919 से आरंभ हुआ, पहली बार पशु गणना 1919 से नियमित रूप से प्रारंभ हुई। तो पशुओं की गणना है वो नियमित रूप से कब से प्रारंभ हुई है, 1919 से प्रारंभ हुई है। अभी हाल ही की गणना हमारे पास कौन सी गणना है, 20वीं गणना है। कितने वर्षों में की जाती है, प्रत्येक 5 वर्षों में गणना की जाती है। कौन करता है इसको, राजस्व विभाग। इसका कौन करता है इसको, राजस्व विभाग। इसका क्या करता है, गणना करता है। लेकिन वर्तमान की गणना के बारे में हम कुछ चेंजेस है तो वो देख लेते हैं। आपसे सिंपल सा पूछा जाए, कितने वर्षों में गणना होती है, 5 वर्षों में होती है, कौन करता है, राजस्व विभाग। लेकिन वर्तमान में पहली बार डिजिटल पद्धति से गणना होने के कारण इसमें कुछ देरी हुई है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बार जो 20वीं गणना हुई है, इस गणना को करने का काम एक तो किया है राजस्व विभाग, और दूसरा इसी के साथ साथ में कौन है, पशुपालन निदेशालय। पशुपालन निदेशालय,
इन दो के द्वारा किया गया पशुपालन निदेशालय कहां पर है? जयपुर में। और राजस्व विभाग कहां पर है? अजमेर। इन दोनों को एडमिन बनाया गया था क्योंकि पहली बार कौन सी पद्धति से की गई है? डिजिटल पद्धति से पशु गणना की गई है। डिजिटल पद्धति से पहली बार गणना, और यही डिजिटल पहली बार डिजिटल पद्धति से गणना की गई है। उसके दो एडमिन बनाए गए थे, राज्य स्तर पर पशुपालन निदेशालय और राजस्व विभाग। तो हमसे प्रश्न पूछ ले इस बार की गणना के बारे में, तो आपको ध्यान रखना केवल राजस्व विभाग नहीं होगा, इसके साथ साथ में कौन होगा? पशुपालन निदेशालय। आपसे भी पूछ ले पशुपालन निदेशालय कहाँ है, तो कहाँ पर है? जयपुर में। तो दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक ऑप्शन में खाली राजस्व विभाग मिले और दूसरा ऑप्शन में मिले आपको राजस्व विभाग व पशुपालन निदेशालय वर्तमान की गणना 20वीं गणना के बारे में पूछे, तो फिर आपको ये दोनों बताने हैं, पशुपालन निदेशालय व राजस्व विभाग। जिला स्तर पर इसका अधिकारी जिला कलेक्टर को बनाया गया था, जिला स्तर पर इसका अधिकारी किसको बनाया गया था? जिला कलेक्टर को बनाया गया था। और इस प्रकार पशु की क्या की गई है? 20वीं गणना की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अब हम आगे चर्चा करते हैं 20वीं गणना की रिपोर्ट के आंकड़े बारे में। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न यहां से उठाकर पूछ ले, पहली बार पशुओं की गणना का आरंभ कब से हुआ है? तो 1919 से जो हमारे पशुओं की गणना का आरंभ हुआ उस अनुसार वर्तमान की गणना की कौन सी है? 20वीं गणना है। कब रिपोर्ट आई? 16 अक्टूबर 2019 को। इससे पूर्व कौन सी गणना हुई है? 19वीं गणना। और उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 2012 में। सामान्यतः पशुओं की गणना कितने वर्षों में होती है? 5 वर्षों में होती है। पहली बार कौन सी पद्धति से की गई है? डिजिटल पद्धति से पहली बार पशु गणना की गई, तो कौन सी? 20वीं। फिर किसने की? तो पशुपालन निदेशालय व राजस्व विभाग अजमेर। तो इससे संबंधित हमसे कोई प्रश्न पूछे जाए तो आपको यहां से बताना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इससे संबंधित हम आगे पढ़ते हैं 20वीं गणना की रिपोर्ट के बारे में। 20वीं गणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश के बाद में कुल पशुधन में राजस्थान दूसरा स्थान रखता। राजस्थान देश में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं? 20वीं गणना पढ़ रहे हैं ना, 20वीं गणना रिपोर्ट आंकड़े देख ले हम। 20वीं गणना में हम किसके बाद में? देश में उत्तर प्रदेश के बाद में, उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा स्थान रखता है? राजस्थान दूसरा स्थान राज्य का। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन कितने हैं? तो 6.78 करोड़। सिंपल है, इजी। 6.78 करोड़ उत्तर प्रदेश में, जबकि राज्य का दूसरा स्थान है। और राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में 5.68 करोड़। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए, राज्य में 20वीं गणना में कुल पशुधन है, तो सिंपल सा इजी सा है 5.68 करोड़। राज्य का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। किसके बाद दूसरा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है। नवीनतम गणना है इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, अभी तक इनसे नवीन गणना से किसी भी राजस्थान के एग्जाम में अभी तक प्रश्न नहीं आए हैं, इसके बाद एग्जाम हुए ही नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे हमसे, तो चीज की चर्चा करेंगे हम। राज्य क्या रखता है? किसके बाद में दूसरा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान रखता है। और राज्य में कुल पशुधन कितना है 20वीं गणना के अनुसार? तो 5.68 करोड़। नेक्स्ट यहीं पर चर्चा कर लेते हैं 19वीं गणना में। कौन सी गणना में? 19वीं गणना। 19वीं गणना यानी कि अभी बात की थी हमने 2012, यहां पर कुल पशुधन था, राज्य की बात करें कुल पशुधन था हमारे पास, कुल पशुधन कितना था हमारे पास? 5.77 करोड़। कितना पशुधन था हमारे पास? 5.77 करोड़। अब हमारे पास पशुधन घटकर कितना हो गया है? 5.68 करोड़। यानी कि क्या हुआ है इन और इन में पशुधन में क्या हुआ है? 9 लाख पशुधन की क्या आई है? कमी आई है। कितने लाख की? 9 लाख पशुधन की क्या हुई है राज्य में? कमी हुई है। यानी कि 19वीं गणना से, फिर यहां से पर लिख रहा हूं, 19वीं गणना से 20वीं गणना में, 20वीं गणना में 9 लाख पशुधन घटे हैं, 9 लाख पशुधन घटे हैं।
आपसे ये आंकड़ा ना पूछकर पूछेगा कितने प्रतिशत घटे हैं, तो 1.66% क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पशुधन में क्या आई है, 19वीं गणना से 20वीं गणना में कमी आई है, और कितने प्रतिशत कमी आई है, तो 1.66% क्या आई है, पशुधन में कमी आई है। तो यहां से नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में 19वीं गणना से 20वीं गणना में पशुधन के बारे में को घुमा फिरा कर पूछे तो 20वीं गणना में 5.68 करोड़, जबकि यहां पर कितना है 5.77 करोड़, 9 लाख पशु घटे हैं, यानी कि कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, 1.66% की क्या दर्ज की गई हमने, कमी दर्ज की गई, यानी कि राज्य में पशुओं की गणना में क्या आई है, कमी आई है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो पशु घनत्व था हमारा, पशु घनत्व कितना था, 169 पशु घनत्व था, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशु थे हमारे पास, 169, अब कितने हैं हमारे पास, 167 पशु घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारे यहां पर कितने हैं, अब 167, जबकि पूर्व में कितने थे, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि घनत्व की बात करें तो पहले 169 था और अब कितना है हमारे पास, 167। आगे चलते हैं, राज्य में जो पशु हैं, सर्वाधिक जो पशुओं में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर पशुधन में की बात करें तो पशुधन में मुख्य रूप से किसको शामिल करते हैं, जो हमें इससे कृषि में या इससे हमें आय प्राप्त होती है, जैसे हम मान हमारे यहाँ पर क्या है, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, भेड़े हैं, ऊंट है, गधे हैं, ये हमारे लिए मुख्य क्या है, पशुधन है, घोड़े हैं, ये हमारे लिए क्या है, मुख्य पशुधन है। मुख्य पशुधन की बात करते हैं, मुख्य पशुधनों में हम नेक्स्ट चलते हैं, हम राज्य में सर्वाधिक जो पशुधन है उसमें सबसे ज्यादा क्या है राज्य में, बकरियां, वन्य जीव की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, पशुधन की बात कर रहे हैं। तो राज्य में सबसे ज्यादा जो पशुधन में क्या है, वो क्या पाया जाता है, बकरियां पाई जाती है, लगभग 37% तक हमारे कुल पशुधन में क्या है, बकरियां है। कुल पशुओं में पशुधन में सबसे सर्वाधिक कौन सा पशु है, बकरी है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक पशु कौन सा है राज्य में, तो राज्य में सर्वाधिक पशु कौन सा है, बकरियां है। देखें हम किस किस में प्रथम स्थान रखते हैं, देखो राज्य थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो जाए इसलिए बता रहा हूं, राज्य बकरियां, ऊंट, भेड़, सॉरी बकरियां, ऊंट व गधे, इन तीन की संख्या में क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है, कहां पर, देश में, प्रथम स्थान देश में। ठीक है, ध्यान रखना है यहां पर क्या नहीं है, भेड़ नहीं है, ना भेड़ नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है, राज्य किसमें प्रथम स्थान रखता है, बकरी ऊंट और गधे में, देश में क्या रखता है, सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक बकरियां ऊंट और गधे कहां किस राज्य में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरा स्थान भैंस का, भैंस का हम कौन सा स्थान रखते हैं, दूसरा स्थान, प्रथम स्थान कौन रखता है, उत्तर प्रदेश, भैंस का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, प्रथम स्थान किसका है वो पूछा नहीं जाएगा आपको, आप सामान्य ज्ञान में प्रथम यूपी है और भैंस का राज्य का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, जबकि भेड़ ने, भेड़ों में लगती है हमारे यहाँ पर बहुत होगी, लेकिन चौथा स्थान है, तेलंगाना का प्रथम स्थान है, इतना डीप नहीं जाना आपको, राज्य का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, बस ये याद रखना है कि चौथा स्थान वो भी याद न रखे तो अब ये याद रखना है कि राज्य में भेड़ों का स्थान प्रथम नहीं है। राज्य में कौन कौन से प्रथम स्थान रखते हैं, बकरियां, ऊंट, गधे, यहाँ पर ऑप्शन है तीसरा, भेड़ दे दे, राज्य निम्न में से किसका प्रथम स्थान नहीं रखता है, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो गधे या कर दो आप या कोई और कर दो, तो बकरी, भेड़ों में हम चौथा स्थान रखते हैं, रट के याद रखें, भेड़ों में हम देश में कौन सा स्थान रखते हैं, चौथा स्थान रखते हैं, जबकि बकरियां, ऊंट और गधे में हम कौन सा स्थान रखते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं, भैंस में हम कौन सा स्थान रखते हैं, दूसरा स्थान रखते हैं, जबकि नेक्स्ट गाय में हम कौन सा स्थान रखते हैं, छठा स्थान रखते हैं, गायों की संख्या में कौन सा स्थान रखते हैं, छठा स्थान रखते हैं, घोड़ों में हम तीसरा स्थान रखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गाय भी छठा स्थान रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से आपको इतना याद रखना है, तीन तीन में हम प्रथम स्थान, जबकि इसमें दूसरा स्थान और भेड़ में हम चौथा स्थान रखते हैं। देखिए कुल पशुधन में सर्वाधिक जो हमारा पशुधन है, कुल पशुधन में, कुल पशुधन में सर्वाधिक जो हुए वो किस जिले में है हमारा, तो बाड़मेर जिले में, कुल पशुधन जो सर्वाधिक कहां पर है, बाड़मेर जिले में, वह न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहां पर है, धौलपुर जिले में, न्यूनतम कहां पर है, धौलपुर जिले में,
सर्वाधिक जो कुल पशुधन की बात करें सर्वाधिक कहां पर है तो बाड़मेर जिले में, जबकि न्यूनतम कहां पर मिलेगा आपको धौलपुर जिले में। भैंस एक एक की ले लेते हैं हम, भैंस की ले लें, भैंस सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक भैंस की बात करें, ये सर्वाधिक भैंस है वो अलवर जयपुर में, और न्यूनतम की बात करें तो ये जैसलमेर में न्यूनतम है। नेक्स्ट देख ले हम, नेक्स्ट देख लेते गाय, ये सर्वाधिक हमें मिलती है उदयपुर जिले में, सर्वाधिक कहां पर है उदयपुर जिले में, न्यूनतम जैसलमेर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, भैंस हो गया, गाय हो गया, हमारे पास देखें बकरी है, गधे हैं, भेड़ है, ये सारे कहां पर है बाड़मेर में सर्वाधिक है और धौलपुर में न्यूनतम है। ऊंट की बात करें, ऊंट सर्वाधिक कहां पर है जैसलमेर में, ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में, जबकि न्यूनतम प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर, यहां पर ऊंट क्या है न्यूनतम है। नेक्स्ट देखें घोड़ों की बात करें, घोड़े सर्वाधिक है बाड़मेर में और न्यूनतम कहां पर है बांसवाड़ा में। इस प्रकार हमने पशुओं के बारे में देखा सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है। आगे हम चर्चा करते हैं एक एक पशु को लेकर, नवीनतम रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं हम एक एक पशु को लेकर। अगर पूछा जाए तो जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनने के चांसेस हैं वो ऊंट और गधे को लेकर। इन पशुओं में देखें जो राज्य में जो 19वीं गणना से 20वीं गणना में दो पशुओं में ही वृद्धि हुई है, बाकी सभी पशुओं में क्या हुई है कमी हुई है। हमारा जो पशुधन है 19वीं गणना से 20वीं गणना में गाय व भैंस की संख्या में वृद्धि, जबकि बकरी, जबकि बकरियां, बकरियां, भेड़, ऊंट, गधे, घोड़े, इन सब में क्या है कमी दर्ज हुई। सामान्य सा प्रश्न है गाय और भैंस की संख्या में तो क्या हुई है वृद्धि हुई है, ठीक है, कुल पशुओं में किनकी वृद्धि हुई है 19वीं गणना से 20वीं गणना में गाय व भैंस की संख्या में वृद्धि हुई, शेष सभी पशुधन में क्या हुई है कमी दर्ज हुई है। कौन सी गणना से कौन सी गणना में, 19वीं गणना से 20वीं गणना में सभी पशु में गाय व भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है, बाकी इन सभी में क्या हुई है कमी दर्ज हुई है। कमी दर्ज हुई है वहां पर दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे, एक घोड़े के बारे में, गधे के बारे में और एक ऊंट के बारे में। हम एक एक पशुओं को लेकर देखते हैं। सबसे पहले ऊंट की चर्चा कर लेते हैं, नस्लों की चर्चा हम बाद में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम आंकड़े से लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। ऊंट की सबसे पहला देख लेते हैं, ऊंट नस्ल की बात बाद में करेंगे। ऊंट सबको पता है इसे राजकीय आर्थिक घरेलू पशु का दर्जा मिल गया है ना, इसे क्या दर्जा मिल गया है राजकीय आर्थिक घरेलू पशु का दर्जा मिल गया है। इसकी घोषणा, है 30 जून 2014 को की गई, या कहीं पर है 2 जुलाई 2014 को की गई। इसकी घोषणा की बात करें लेकिन इसकी आधिकारिक आधिकारिक सूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। जैसा प्रश्न हो, जैसा ऑप्शन हो आपके पास उसके बारे में करना है। इसे राज्य आर्थिक घरेलू पशु की घोषणा 30 जून 2014 या 2 जुलाई 2014 को की गई, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना है, अधिसूचना कब जारी की गई, अधिसूचना जारी की गई 19 सितंबर 2014 को। इसके बाद से इसे क्या मिल गया है दर्जा मिल गया है। अब इस पशु को मारने पर 1 से 7 साल की क्या हो सकती है सजा हो सकती है या अन्य प्रावधान भी। तो ये भी हमारा क्या है आर्थिक घरेलू पशु, इसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस डेमोरेसियस, ठीक है, पीछे से नाम को चेंज कर दे तो ध्यान रखना कैमलस से तो पता चल जाएगा कैमल से, लेकिन यहां पर बदल दे कैमलस डेमोरेसियस इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। हम
सभी के बारे में, जितने हमारे पास इंपोर्टेंट वैज्ञानिक नाम रहेंगे वो हम सब पढ़ेंगे, राजकीय पशुओं के बारे में, राजकीय पक्षी के बारे में, या फिर जो राजकीय वृक्ष है, पुष्प है, या कोई इंपोर्टेंट और तथ्य होंगे उनके बारे में वैज्ञानिक नाम हमें याद रखने हैं, ये भी पूछ लेता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, केमलस डेमोरेसियस, तो इससे संबंधित कोई चीज पूछ ले। अब देखते हैं इसके इसकी महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में, जहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऊंट की बात करें, इसलिए कि हमारा आर्थिक घरेलू पशु घोषित कर दिया गया है। जब हमारी 19वीं गणना हुई थी, कौन सी गणना, 19वीं गणना में राज्य में ऊंटों की संख्या 3.25 लाख थी। कितने लाख थी, 3.25 लाख थी। कब, 19वीं गणना में 2012 में। जबकि अभी जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, कौन सी रिपोर्ट आई है, 20वीं गणना में इनकी संख्या कितनी रह गई है, 2.13 लाख रह गई है। तो इनकी संख्या में क्या हुई है, बहुत अधिक क्या हुई है, कमी हुई है, 2.13 लाख रह गई है। तो हमसे कोई आंकड़े अंदर से पूछ ले, पूरा डेट पूछ ले, तो 3.25 लाख थी और वर्तमान में कितनी हुई है, 2.13 लाख रह गई है। यहां से भी आंकड़े अंदर पूछे जाए, आपसे ये पूछा जाए कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, तो 34.69% की क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। आपसे एग्जाम में ऐसा भी मिल जाए, 33% की क्या हुई है, कमी दर्ज हुई है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे, कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है, 35% की कमी दर्ज की गई। 19वीं गणना से 20वीं गणना में राजकीय आर्थिक घरेलू पशु ऊंट, इसकी संख्या में 35% क्या हुई है, कमी दर्ज हुई है। लेकिन प्रश्न को थोड़ा और, क्योंकि इससे पूर्व जो गणना थी हमारी 2012 से, पहले की गणना 2007 से 2012 की जो रिपोर्ट थी हमारे पास, 18 से 19 रिपोर्ट में इनकी संख्या में माइनस कितनी रही थी, 22% की कमी दर्ज की गई थी। कितनी, 22% की कमी दर्ज की गई थी, और अभी कितनी है, 35%। तो आपसे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछे, राज्य में सब सर्वाधिक किस पशुधन की गिरावट दर्ज की गई, तो आप निश्चित ऐसा सोचेंगे ऊंट की होगी। लेकिन यहां पर फिर से दुविधा है, यहां पर सबसे ज्यादा जो पशुधन की गिरावट दर्ज की गई है वो है गधों की संख्या में। गधे हैं वो, हमारे राज्य में लगभग 88,000 गधे थे, जो बचकर हमारे पास कितने रह गए, 23,000 गधे रह गए। इनमें कितनी प्रतिशत, लगभग 71% गिरावट दर्ज हुई। यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ ले, राज्य में सब सर्वाधिक पशुधन की गिरावट दर्ज की गई है, वहां पर ऑप्शन मिले आपको ऊंट, भैंस, गधे, भेड़, तो आपको लगेगा कि ऊंट है, क्योंकि आप सोचेंगे ऊंट हमारा राजकीय आर्थिक पशु, इसलिए पूछा है। लेकिन वहां पर बीच में ऑप्शन में क्या है, गधे हैं। तो गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है। देश में मात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जो देश में प्रथम स्थान रखता है गधों की संख्या में, और वहां पर भी कितने बचे हैं, मात्र 23,000 गधे बचे हैं हमारे राजस्थान में भी। फिर भी हम क्या रखते हैं, देश में गधों की संख्या में प्रथम स्थान रखते हैं। तो निश्चित आने वाले किसी एग्जाम में ऐसा प्रश्न हो सकता है, ऊंट और गधे में कंफ्यूजन हो जाए। तो सबसे ज्यादा जो पशुधन की गिरावट दर्ज की गई है वो किसकी है, गधों की है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी हम जो ऊंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऊंट से संबंधित हमारे पास ये सारी सूचना है। निश्चित अगर ऊंट से कुछ पूछता है, किसको छोड़कर, नस्लों को छोड़कर, नस्लें हम पढ़ेंगे, इसकी नस्लें हैं, नस्लें पढ़ेंगे हम, नाचना है, गोमट है, इसकी नस्लों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बीकानेरी है, तो जैसलमेरी है, ये इसकी क्या है, नस्लें हैं, जिसके बारे में हम सभी पशुधन की नस्लें पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे। अभी हम केवल इसकी जो डेटा से संबंधित है, जो 19वीं और 20वीं गणना की रिपोर्ट है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमें 19वीं और 20वीं रिपोर्ट से संबंधित पशुधन के बारे में, ऊंट के बारे में पूछता है, तो ये हमारे पास डेटा है। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पशु को देखते हैं, हम जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गधे। गधों की संख्या लगभग हमारे पास 2019 में कितनी थी, 88,000 गधे थे, जो घटकर कितने हो गए हैं, 23,000 गधे हो गए। तो राज्य में पशुधन में सर्वाधिक जो गिरावट आई है वो किस पशुधन में आई है, सर्वाधिक जो पशुधन में गिरावट आई है वो हमारे किस पशुधन में आई है, गधों की संख्या में आई है। तो हम इस प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछे, कितने प्रतिशत आई है, तो 71% गिरावट दर्ज की गई है। देखिए हम गधे के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम ये सर्वाधिक जो पशुधन की गिरावट आई, सर्वाधिक पशुधन में गिरावट 19वीं गणना में 81,000
संख्या थी, जो 20वीं गणना में घटकर कितनी हो गई है, 23,000 हो गई। कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई है, 71% क्या दर्ज हुई है, कमी दर्ज हुई। तो इस गधे और घोड़े की संख्या को लेकर कोई कंफ्यूजन पूछ ले आप ध्यान रखना है, बस इन आंकड़ों में दो कर रट के याद रखना, बाकी सभी में बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। 3-4% की गिरावट ही है, या फिर गाय और भैंसों में 4-5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो हमारे लिए कौन था, गधे, और कौन सा इंपोर्टेंट था, ऊंट। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, कि इनकी संख्या में कमी दर्ज हुई है। आगे हम एक एक पशु को लेकर उसकी नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी पशुधन की कौन सी नस्लें थी। नस्लें चर्चा करने के बाद नस्लें इंपोर्टेंट है, नस्लों के साथ साथ उनके मुख्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई किसका संबंध किस क्षेत्र से। नस्लों के साथ में क्षेत्र की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि प्रश्नों में क्षेत्र भी पूछे जा रहे हैं, तो क्षेत्र भी पढ़ लेंगे। नस्लें, नस्लों के साथ में क्षेत्र, और सरकार की कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में, और आगे हम डेयरी उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे।